जय श्री राम। नमस्ते नमस्कार साथियों, तो सबसे पहले जय सिया राम। वेलकम बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज मिस्टर आरजे कुमार। तो फिर से जुड़ने के लिए हार्दिक स्वागत है आप सभी को। तो श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 तारीख यानी कि माघ 8 गते के दिन हम आ गए हैं जनकपुर जानकी मंदिर के प्रांगण में। श्री राम मंदिर उद्घाटन के उपलक्ष्य में श्री राम भगवान के ससुराल जनकपुर धाम में दीपोत्सव कार्यक्रम रखा गया है, दीपावली मनाने की कार्यक्रम रखा गया है। और दीपावली यहाँ नहीं, श्री राम भगवान के ससुराल नहीं, पूरे नेपाल भारत और अन्य हिंदू देश में और हिंदू धर्मावलंबी व्यक्ति लोग अपने अपने घर में आज दीपावली मनाएंगे सांझ के समय। तो आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए और दिखाएंगे हम दीपावली कैसे मनाए थे जनकपुर में। तो शुरू से अंत तक बने रहिए। और हम आ गए हैं जानकी मंदिर के प्रांगण में और दिखा रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दीपोत्सव दिखाएं हम आप सभी को। श्री राम भगवान की ससुराल मिथिलांचल यानी कि जनकपुर धाम में 1.25 लाख दीप जलाने का जो प्रोग्राम है वो आज सांझ में होगा, आप सभी को हम दिखाएंगे। 500 वर्ष के बाद श्री राम भगवान टेंट से निकलकर अब मंदिर में जा रहे हैं। ये बहुत खुश नसीब है हम हिंदू लोग कि हमारे जनरेशन में मंदिर बन रहे हैं, इसकी खुशी पूरे हिंदूवासी को है। इसीलिए दीपोत्सव मनाने की आग्रह की गई है। अनेक संघ संस्था द्वारा और सरकार द्वारा दीपावली मनाने की आग्रह की गई है और विभिन्न स्थानीय तौर में छुट्टी भी दिया गया है आज का दिन जो दीपावली मनाने के लिए। और यहाँ से हम बढ़ते हैं, दीप देखते हैं कहाँ पर रखा हुआ है और दीप के ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 1.25 लाख दीप कहाँ पर जलाएंगे। और फाइनली देखिए ये दीप सजा उजा कर रख लिया है और यहाँ पर देखिए कितना अच्छा ही डिजाइन किया गया है रंगोली बनाकर और जय सिया राम लिखकर। और देखिए सब दीप में अभी बथिया रख दिया है और तेल रखने का बारी है, दोपहर का टाइम है। और देखिए रंगोली बनाकर दीप लगाकर और सांझ के टाइम में दीपावली मनाया जाएगा। यहाँ पर नहीं, पूरे एरिया में जानकी मंदिर के एरिया में और पूरे देश भर में हिंदू लोग आज दीपावली मनाएंगे, ये मेरा अनुभव है। और मनाएंगे क्यों नहीं, क्योंकि हमारे भगवान आ रहे हैं श्री राम प्रभु। अब बढ़ के हम आ गए हैं उत्तरबारी साइड में जानकी मंदिर के छेव में और यहाँ पर भी कितना अच्छा डिजाइन किया गया है और देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा डिजाइन किया गया है। और सभी लोग माथे पे श्री राम प्रभु का नाम लिखा रहे हैं, जय श्री राम जय श्री राम। और यहाँ पर भी यहाँ पर दीप नहीं अभी रखा गया है और देखिए कितना अच्छा डिजाइन किया गया है। और मैं फाइनली आ गया हूँ मलबा के भीतर, आज मलबा के भीतर मेरा काम था, काम ये था कि भाई का शादी था और भाई का शादी ऐसा शुभ दिन में हो रहा है तो एकदम खुशी की बात है। और ऐसा दिन में शुभ दिन में शादी हुआ तो कंग्रेचुलेशन भाई। तो यहाँ पर एक शादी नहीं, 10-10 शादी हुआ था और बहुत भीड़ था, सभी का शादी मलबा में हुआ था। शादी का काम खत्म होते ही मैं निकल गया और साइड में देखते हैं आप विभिन्न किस्म का संघ संस्था द्वारा रैली निकाला गया था और रैली में जय श्री राम का नारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे हिंदू धर्मावलंबी लोग व्यक्ति लोग। ये तो छोटा सा क्लिप है और बहुत ही संघ संस्था द्वारा रैली निकाला गया था, बाइक रैली, डीजे रैली और पैदल रैली, जय श्री राम का नारा लगाते हुए। ये तो छोटा सा क्लिप है और ये देखिए बाइक रैली और श्री राम लला की खुशहाली में प्राण प्रतिष्ठा के दिन खुशहाली में विभिन्न किस्म के रैली निकाला गया और सब व्यक्ति लोग अपने अपने घर पे झंडा लगाया था और बाइक में भी झंडा लेकर भगवा ध्वज लेकर सब जा रहे थे। ये तो छोटा सा क्लिप है और
बहुत क्लिप में नहीं रिकॉर्ड कर पाया, और ये क्लिप रिकॉर्ड करके हम लोग घर जाने का प्लान बना रहे थे क्योंकि साँझ होने वाला था और हमें घर भी जाना था। तो देखिए विभिन्न संस्था द्वारा निकाला गया रैली, और ये देखिए भक्ति में भक्त लोग झूम रहे हैं, और देखिए कितना उत्साह है आज के दिन जो भक्ति में गूंज रहे हैं। विभिन्न ठाव से आकर जनकपुर में रैली निकाल रहे हैं, श्री राममय युग हो रहा है, और देखिए कितना उत्साह है व्यक्ति लोग कि भगवान आने की खुशी में इतना झूम नाच रहे हैं कि इतना खुशी कभी नहीं होगा ऐसा अंदाज लगा रहे हैं। साँझ होते ही हम लोग जा रहे थे घर, तो घर के जाने से पहले यहाँ पर मरवा से निकल कर देखिए ये भी कोई संस्था द्वारा रैली निकाला गया था, और देखिए यहाँ पर पब्लिक इतना क्राउड है कि मत पूछिए। और आज का दिन भक्तजन बहुत आए थे जानकी मंदिर में, और हम लोग जा रहे हैं, साँझ के टाइम हो गया है तो घर भी जाना है। तो पहले देखिए दीपावली मनाने की तैयारी कहाँ तक पूरी हुई है, और देखते हैं कितना पब्लिक आया है आज दर्शन करने के लिए जानकी मंदिर के भीतर। विवाह पंचमी के बाद ऐसा भीड़ कभी काल लगता है, और वो आज देखा गया है। यहाँ की जानकारी अनुसार सभी भक्त टूट पड़े हैं जानकी मंदिर के भीतर, और सभी आए हैं विभिन्न ठाव से देखने के लिए कि 1.25 लाख दीप जलाने के बाद कैसा लगता है यहाँ का माहौल। और सभी लोग अपने अपने घर में आज दीपावली मनाएंगे, और 1.25 लाख दीप जलाने का खुशी कितना अच्छा होता है। और देखिए काम कहाँ तक पूरा हुआ है, इतना भीड़ विवाह पंचमी के बाद आज देखा गया, जो आज का माहौल है इतना भीड़ वो कभी काल होता है जो आज देखा गया। श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा के दिन जो दीपावली मनाने की उपलक्ष्य है उसी दिन देखा गया। और चलते हैं हम आपको दिखाते हैं कि कहाँ तक प्रोग्राम आगे बढ़ा, और मैं जा रहा हूँ जानकी मंदिर के गेट नियर, और मैं देखता हूँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दीप में तेल उल पड़ा कि नहीं, और मुझे घर भी जाना है तो शायद मैं नहीं दिखा पाऊँगा, शायद नहीं आज मैं दिखा ही नहीं पाऊँगा कि दीप जलने के समय, क्योंकि घर में भी दीपावली मनाना है। तो यहाँ से मैं फौरन घर के तरफ जाऊँगा, और ये देखिए जानकी मंदिर के गेट, और यहाँ पर कितना सजाया गया है, और यहाँ से हम दिखा रहे हैं जूम करते हुए जानकी मंदिर की मेन गेट मतलब भीतर की, और यहाँ से हम दीप या देखिए दीप में तेल रख रहे हैं, और साँझ का टाइम हो गया है, और दीप में तेल रखते हुए और साँझ में दीप जलाएंगे 1.25 लाख दीप जो जानकी मंदिर में जलाया जाएगा, और यहाँ से हम घर के लिए प्रस्थान होंगे। जय श्याम। बोलो जय श्री राम, 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 जय
फाइनली मैं गेट से निकल गया हूँ, दक्षिण बारी गेट से, और घर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। और देखिए मैं ये दक्षिण बारी गेट से निकल कर घर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, और घर में जाऊँगा और अपने घर में भी दीपावली मनाऊँगा। मनाएंगे क्यों नहीं, हम तो हिंदू हैं, और अपने श्री राम भगवान के आने की खुशी में हम सभी लोग दीपावली आज मनाएंगे, और मनाएंगे भी इसी दिन, आगे भी मनाएंगे। और ये देखिए विभिन्न चौक में और चौक चौक में भगवा रंग का झंडा लगाया गया है, और सब लोग आज ही दिवाली मनाएंगे। और देखिए सांझ का टाइम है। सॉरी गाइज कि मैं 1.25 लाख दीप जलाने वाला वीडियो क्लिप नहीं दिखा पाया, क्योंकि घर भी जाना था और घर में भी दीपावली मनाना था, तो इसीलिए मैं नहीं दिखा पाया। और गांव में भी विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज ही के दिन सोमवार के दिन श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा के दिन सोमवार के दिन कलश यात्रा का प्रोग्राम है, और आज सांझ में मटकोर किया जाएगा, और मंगलवार के दिन 23 तारीख को हमारे गांव में विवाह किया जाएगा, श्री राम भगवान का विवाह विभिन्न कार्यक्रम द्वारा और प्रोग्राम रखा गया है। तो ऐसा ही छोटा छोटा वीडियो देखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिए।